ये पश्चिमी चंपारण का नरकटिया औरैया गांव का ये चित्र है। आप देखिए, ये सभी दलित और एसटी समाज के रहने वाले लोग हैं, लेकिन आज भी पानी पीने के लिए गांव से 3 किलोमीटर दूर जो तालाब है वहां से पानी लेकर आते हैं, जहां पर जंगलों के जानवर भी इसी तालाब का पानी पीते हैं। और आपको पता ही है कि तालाब और नदी में गांव के हर तरह के जो है काम काज वहीं होते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है, मैं शशि भूषण। आज बात बिहार की होगी। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, आपने देखा होगा कि किस तरीके से जल नल योजना के नाम पर गांव-गांव में करोड़ों रुपए बहाए गए, लेकिन हकीकत क्या है? देश की आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी आज भी कई ऐसे गांव हैं जो जानवरों के तरह नदी नाले के पानी पीने के लिए विवश है। आज ऐसे ही एक गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और उसकी कहानी को बयां कर रहे हैं। ये पश्चिमी चंपारण का नरकटिया औरैया गांव का ये चित्र है। आप देखिए, ये सभी दलित और एसटी समाज के रहने वाले लोग हैं, लेकिन आज भी पानी पीने के लिए गांव से 3 किलोमीटर दूर जो तालाब है वहां से पानी लेकर आते हैं, जहां पर जंगलों के जानवर भी इसी तालाब का पानी पीते हैं। और आपको पता ही है कि तालाब और नदी में गांव के हर तरह के जो है काम काज वहीं होते हैं। जानवरों को पानी पीने से लेकर कपड़ा धोने तक और जो है आपके बाकी भी काम वहीं निपटाए जाते हैं, लेकिन गांव वाले की व्यवस्था ऐसी है कि उसी पानी को रोज़ प्रतिदिन 3 किलोमीटर चलकर पानी भरकर और ले जाते हैं। ऐसी तस्वीरें आपने राजस्थान के अंदर जहां पर रेगिस्तान है, जहां पानी नहीं मिलता, वहां पर आपने देखी होगी। लेकिन ये कहानी आपकी बिहार की पश्चिमी चंपारण की है, जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं, गांव की सैकड़ों महिलाएं एक साथ निकलती हैं ताकि कोई जानवर हमला ना कर दे, इसलिए कि रास्ते बड़ी ही जंगलों से होकर जा रहा है, जो आप तस्वीरों में लगातार आप देख रहे हैं। और उन्होंने जाती हैं और वहां से रोज़ पानी भर के अपने घर वालों को लेकर आती हैं, और इसी पानी को छान कर पीने से लेकर खाना बनाने तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक तरफ आप देखिए कि किस तरीके से नल जल के नाम पर हजारों करोड़ रुपया बहाया जा रहा है कि हम घर घर में पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है, आखिर इसका दोष किस पर मढ़ा जाए? सरकार पर या अधिकारियों पर जिनकी जिम्मेदारी थी, या पूरा सिस्टम ही? दिखता तो सब कुछ है लेकिन उन्हें पता ही नहीं। क्या ये लोग आज भी इस तरह के पानी पीने के लिए विवश हैं? तो क्या हमारे मुख्यमंत्री को नहीं दिखता? क्या वहाँ के जो डीएम हैं उनको ये बात नहीं दिखती, या वहाँ की ग्राम पंचायत मुखिया और तमाम जितने जनप्रतिनिधि हैं, सांसद विधायक, या उनको ये तस्वीर नहीं दिखती जो हमारे कैमरे को दिख रही है और आज भी आप देख रहे हैं? तो किस तरीके की विकास हो रहा है, आप इस विकास मॉडल को समझने की ज़रूरत है। और आप भी अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दें। एक बार इन महिलाओं की व्यवस्था को पहले देखिए और सुनिए, और इसके बाद हम आगे की कहानी आपको बताएंगे। हैं जो सरकारी आदमी हम हैं कि नहीं है, आज तक 5 साल हो गए हैं, पर हम लोग कुछ सुनवाई नहीं दिए हैं। अधिकारी कभी नहीं आए, कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं यहीं पर। क्या नाम है आपका? राजपति। घंटा ही घंटा पानी बैठ जाला थी गंदा, तो वह पानी से हम लिखे खाना उना बनावे नहीं जा, यह पानी से सब कर्म आ, बाल बच्चा नहा धोआ कुछ करे पिए के ये पानी से। का नाम पड़े? महंत। हमने की ये बात बा, मने लाइट की दिक्कत बा, ले जाकर पीते हैं, बना कर खाना खाते हैं, हम लोग भी बच्चे लोग भी खाते हैं, वही पानी हम लोग खा पी कर हम बीमार भी पड़ जाते हैं। क्या नाम है? किरण देवी। बर्तन मलने के लिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सामने ये 5 बरस हम लोग के हो गए। मोती मानुष चुन बिन पानी सब सुन, पानी की महत्व के कवि ने इन पंक्तियों में वर्णन किया है। लेकिन ये बिहार का चंपारण है जो आप इस तस्वीरों में देख रहे हैं, और वहीं बगहा के बगल में रहने वाला औरैया गांव है, जहां पर पानी सभी को साफ नहीं मिलता। नदी नाले और बरसात के पानी पीने के लिए ये गांव वाले विवश हैं। और ये कहानी भी आज की है, 21वीं सदी की है और 2022 की है। आप इन तस्वीरों को देखिए और फिर आकलन करिए। बाकी नीतीश कुमार को आप इसके लिए और यहाँ की सरकार को जरूर धन्यवाद कहना ना भूलिएगा। दलित और एसटी समाज के रहने वाले लोग हैं,
लेकिन आज भी पानी पीने के लिए गांव से 3 किलोमीटर दूर जो तालाब है वहां से पानी लेकर आते हैं, जहां पर जंगलों के जानवर भी इसी तालाब का पानी पीते हैं। और आपको पता ही है कि तालाब और नदी में गांव के हर तरह के जो है काम काज वहीं होते हैं।